इंजन स्टार्टर मोटर एक शक्तिशाली डीसी इलेक्ट्रिक मोटर है जिससे इंजन को क्रैंक किया जाता है। स्टार्टर मोटर में एक पिनियन गियर होता है जो इंजन के फ्लाईव्हील रिंग गियर से मैश होता है और क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। यहाँ दिखाया गया मॉडल आधुनिक गाड़ियों में उपयोग की जाने वाली एक प्री एंगेज टाइप स्टार्टर मोटर है। यह मोटर गाड़ियों में मौजूद बैटरी से चलती है। बैटरी से मोटर तक का इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ दिखाया गया है। इसमें एक स्टार्टर सोलेनोइड होता है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। बैटरी और सोलेनोइड के बीच इग्निशन स्विच होता है। सोलेनोइड के अंदर एक प्लंजर होता है। जैसे ही इग्निशन को ऑन किया जाता है, सोलेनोइड सक्रिय हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण प्लंजर स्लाइड करता है जो कॉन्टैक्टर स्विच के दो कॉपर टर्मिनल्स को जोड़ता है, जिससे मोटर चालू हो जाती है। इग्निशन स्विच को रिलीज करने से सोलेनोइड डी एनर्जाइज होता है और प्लंजर वापस लौटता है। यहाँ एक सवाल आ सकता है कि सोलेनोइड और कॉन्टैक्टर स्विच का क्यों उपयोग किया जाता है, जबकि हम मोटर को बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई भी दे सकते हैं। लेकिन हम मोटर को इस तरह नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ये मोटर चलाने के लिए बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है, जिसे प्रवाह करने के लिए बहुत बड़े स्विच और तार की जरूरत होती है। इसीलिए हम सोलेनोइड का उपयोग करते हैं जिसे ज्यादा करंट की आवश्यकता नहीं होती है। सोलेनोइड एक और महत्वपूर्ण काम करता है। यह स्टार्टर पिनियन को स्लाइड करके फ्लाईव्हील रिंग गियर के साथ मैश करने में मदद करता है। जैसे पिनियन फ्लाईव्हील रिंग गियर की ओर बढ़ता है, यह अपनी एक्सिस पर थोड़ा घूमता है। ये घुमाव पिनियन और फ्लाईव्हील रिंग गियर को आसानी से मैश करने में मदद करता है। जब पिनियन और फ्लाईव्हील ठीक से मैश हो जाता है, तब कॉन्टैक्टर स्विच बंद हो जाता है और मोटर घूमता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्लाईव्हील की तुलना में पिनियन गियर काफी छोटा है। फ्लाईव्हील और पिनियन का गियर रेशियो आमतौर पर 15 से 1 या 20 से 1 तक होता है। ये गियर रिडक्शन से टॉर्क कुछ हद तक बढ़ जाता है। टॉर्क को और बढ़ाने के लिए एक प्लानिटरी गियर सेट का उपयोग किया जाता है। इसमें एक सन गियर, एक रिंग गियर, एक कैरियर गियर और प्लैनेट गियर्स का एक सेट होता है। स्टार्टर मोटर में रिंग गियर स्थिर होता है, सन गियर इनपुट होता है और कैरियर आउटपुट होता है। यहाँ दिखाए गए प्लानिटरी गियर सेट का रेशियो 7 से 1 है। ये कंबाइंड गियर रिडक्शन के बाद स्टार्टर मोटर क्रैंकशाफ्ट को घुमा सकता है, जिससे इंजन चालू हो जाता है। इंजन स्टार्ट होने के बाद क्रैंकशाफ्ट तेजी से घूमने लगता है। इस स्थिति में यदि स्टार्टर मोटर फ्लाईव्हील के साथ मेश में रहती है तो अत्यधिक गति के कारण मोटर खराब हो सकती है। इसीलिए इंजन स्टार्ट होते ही हमें इग्निशन स्विच को रिलीज करना चाहिए, जिससे पिनियन फ्लाईव्हील गियर से अलग हो जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन में हम इंजन स्टार्ट होने के तुरंत बाद इग्निशन स्विच को रिलीज नहीं कर सकते हैं। इस अवस्था में मोटर को तेजी से घूमने से रोकने के लिए वन वे क्लच का उपयोग किया जाता है। यह क्लच में आउटर और इनर रेसेस के बीच रोलर्स होते हैं। जब मोटर आउटर रेस को घुमाता है तो रोलर्स इन दो रेसेस के बीच में लॉक हो जाते हैं और क्रैंकशाफ्ट घूमता है। जैसे ही इंजन चालू हो जाता है तो रोलर्स स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके बाद सिर्फ पिनियन घूमता है और मोटर तक पावर ट्रांसफर होना बंद हो जाता है।